हेलो डियर मेडिकल प्रोफेशनल्स, माई सेल्फ डॉक्टर नरेश भाटी, डायरेक्टर ऑफ वेल केयर ओवरसीज बेंगलुरु। डियर माई डेंटिस्ट, आज का वीडियो भी डेंटिस्ट के लिए है। एंड डियर माई डेंटिस्ट, आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो में कि क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं अगर आपको एज अ डेंटिस्ट जर्मनी में काम करना है, या एज अ डेंटिस्ट आप जाके पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ पर आप कर रहे हो तो क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकती है, और क्या फाइनेंशियली कंपैरिजन भी हम देख सकते हैं इंडिया पीजी और जर्मन पीजी के लिए। तो पहला बेनिफिट्स तो फ्री एजुकेशन है वहाँ पे। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप करते हो जर्मनी में, आप जो भी लाइसेंस एग्जाम एफएसपी केपी पास करके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हो तो पीजी फ्री है। पीजी एक तरह का ओजेटी है, ऑन जॉब ट्रेनिंग टाइप, तो पीजी आपकी फ्री है पहला चीज़। वही आप इंडिया में अगर कंपैरिजन करो, प्राइवेट कॉलेज आपको मिलती है तो मिनिमम आई थिंक 20-30 लाख रुपीज़ का आपको एक्सपेंसेस आता है पीजी का, या मे बी मोर, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो ये पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट, जब आप पीजी करते हो वहाँ पे तो पीजी फ्री तो है ही, उसके साथ आपको स्टाइपेंड भी मिल सकता है, क्योंकि ये एक तरह का ऑन जॉब ट्रेनिंग है। तो यू कैन रिसीव 4,000-6,000 यूरो इन बिटवीन सैलरी और स्टाइपेंड एवरी मंथ। वही कंपेयर करें आप इंडिया में पीजी के साथ साथ आपको कितना स्टाइपेंड मिलता है, आप ज़्यादा बेटर जानते होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट, जब आप वहाँ पे रजिस्टर्ड डेंटिस्ट बन जाते हो तो आप इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकते हो, किसी जर्मन पार्टनर के साथ अगर आपको क्लिनिक ओपन करना है तो कर सकते हैं, और जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तीसरा बेनिफिट। चौथा बेनिफिट, अगर आप जा रहे हो, मैरिड हो, डिपेंडेंट या स्पाउस को लेके जाना चाहते हो, स्पाउस वीज़ा, फैमिली वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो। पांचवा, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलता है, एमरजेंसी एक्सीडेंटल लीव आपको मिलती है, ये पांचवा बेनिफिट। छठा बेनिफिट, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको वहाँ पे मिलती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो वर्किंग आवर्स है वहाँ पे वो 40 आवर्स पर वीक है, मतलब वीकली 5 डेज, एनी अल्टरनेटिव डेज आपको वर्किंग हो सकता है, तो वर्किंग आवर्स भी इन अ सिस्टमेटिक मैनर है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको मिल सकती है। सातवां जो है, आपका जो डेंटिस्ट्री स्किल्स है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है, जर्मन्स आर द मैन्युफैक्चरर्स फॉर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्कैनिंग मशीनरीज, ऑल ऑपरेशन थिएटर मशीनरीज, इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट ऑल, तो टेक्नोलॉजी में भी बहुत ही एडवांस है, तो आप अपना डेंटल मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी अपस्किल कर सकते हो। मान लो आप वहाँ पे काम कर रहे हो, 10-15 साल आपने काम किया, फिर आप होम कंट्री आना चाहते हो, यहाँ पे अपना सेटअप करना चाहते हो, तो जो वो एडवांस टेक्नोलॉजी आपने सीखी है डेंटिस्ट्री में, वो आपको बेनिफिट्स यहाँ पे दे सकती है। वापस आके भी आप वहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते हो, और वहाँ पे रजिस्टर्ड डेंटिस्ट होने के बाद एटलीस्ट मोर देन 24 मंथ्स अगर आप काम करते हो तो आप पीआर के लिए भी एलिजिबल हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको पीआर अगर चाहिए, आप अगर आप जर्मन पासपोर्ट होल्डर बनना चाहते हो तो वहाँ पे रजिस्टर्ड डेंटिस्ट बन के आप 2 साल या से ज़्यादा काम करो तो आप एलिजिबल हो पीआर अप्लाई करने के लिए। आठवां बेनिफिट्स क्या है कि नॉट ओनली जर्मनी, अदर सराउंडिंग कंट्री भी जर्मन बोलती है। स्विट्ज़रलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड, हॉलैंड, लेट्सेसिन, बहुत सारी कंट्री, तो उन कंट्री में भी अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो आप वहाँ पे भी काम कर सकते हो। बस आपके जो डॉक्यूमेंट है वो काउंसिल आपकी वेरीफाई करेगी, और अगर वो ओके हो गया तो आप वहाँ पे भी काम कर सकते हो। एंड एट लास्ट, जर्मनी एक शेनेगन कंट्री है, तो नॉट ओनली जर्मनी, अगर आपको सराउंडिंग कहीं भी ट्रैवल करना है यू कंट्री में तो आप ट्रैवल कर सकते हो। मान लो आपका मन हो गया ज्यूरिख जाने का, एम्स्टर्डम जाने का, तो कहीं भी आपको एग्जिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जर्मनी में जाने के, एज अ डेंटिस्ट या पोस्ट ग्रेजुएशन अप्लाई करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और ऐसे ही देखते रहे आप वीडियो। आज के लिए इतना ही, आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे दे इजाज़त। जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।